अभी का फ्रेंडशिप बैंड उधर थिएटर में गिर गया था, बहुत परेशान हो रही थी यार। अरे आपके बारे में अच्छी बातें कैसे बोल सकते हैं, आपने हमारे ओखा का सबसे कीमती हीरा जो चुरा लिया। नंदिनी तो मेरी है, अगर कुछ कुछ देने का या पहनाने का मतलब उस पर हक जताना है तो नंदिनी को मेरे नाम का कुछ पहनना चाहिए। आपको मुझे सजा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं ना खुद ही से उठक बैठक कर रही हूँ। एक दो एक मिनट, किस बात की सजा दे रही हो अपने आप को? वो इंग्लिश क्लास की गुटली मारी ने, इसलिए। यार कितनी मासूम है ये लड़की, इससे गुस्सा कैसे हो सकता है कोई? इतनी सी सजा, ये कोई पनिशमेंट है? ओके फाइन, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम्हें उनके जवाब देने। अगर तुमने सवाल के जवाब गलत दिए तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। रेडी? हाँ रेडी। तो सबसे पहले ये बताओ कि दर्श को नंदिनी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ये क्या कर रहे हैं आप? जवाब दो। मेरी आवाज? गलत जवाब। अब सजा के तौर पे तुम्हें अपने बाल खोलने पड़ेंगे। अगला सवाल, 0 से 10 के बीच में नंदिनी दर्श से कितना प्यार करती है? प्यार कोई आटा या घी है जिसे नाप तोल के करूंगी? तुमने तो जवाब ही नहीं दिया इस सवाल का, तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। तुम्हारी सजा ये है कि तुम अपने होठों पर एक ब्राइट लिपस्टिक लगा कर आओ। Come on, go. Come on.
तीसरा सवाल, क्या नंदिनी को दर्श से ज्यादा प्यार कोई कर सकता है? दूसरों के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? गलत जवाब, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। अब इसकी सजा में तुम्हें मेरे बहुत करीब आना पड़ेगा। आपको किसी ने कुछ खिला दिया है क्या, या किसी के हाथ से आपने दवाई खा ली है? मैं जो भी कह रहा हूं मुझे सब पता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं तो बस तुम्हें शर्माता हुआ महसूस करना चाहता था। आपको मैं शर्माने वालों में से लगती हूँ? मेरे सर, बैठो। पता है जब मैं छोटा था ना, मुझे अंधेरे से डर लगता था, तो ये मेरी दादी ने मुझे दिया था और कहा था कि जब भी मुझे डर लगे तो मैं इसे छूं, सारा डर भाग जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे वो मेरे साथ है। पर वो कहां जानती थी कि ये अंधेरा मेरा फ्यूचर बन जाएगा। ऐसा नहीं कहते, अंधेरा है लेकिन अंधेरे से डर तो नहीं लगता ना। हाँ, बट अब किसी और बात से डर लगता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये तुम हमेशा पहनो। किस बात से डर लगता है? तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। ऐसा ख्याल भी कैसे आया आपके दिमाग में? अपनी इस नई इनसिक्योरिटी के बारे में क्या बताऊं तुम्हें नंदिनी। छोड़ो, कहीं तुम परेशान होकर रितेश से मिलना ही ना छोड़ दो। वो एक बार तुम्हें ऑलमोस्ट खो चुका हूं ना, इसलिए। अपने हाथों से पहनाइए मुझे ब्रेसलेट। तो अब ये कभी मेरे हाथों से उतरेगा ना, तो कभी मैं आपसे दूर जाऊंगी, कभी नहीं।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।